खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज ईद है, आप सबको मास्टर स्ट्रोक की टीम की तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। आज जब पूरा देश इस मीठी ईद को मना रहा है, एक दूसरे को गले लगा रहा है, अमन के इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, उस दिन यानी ईद के दिन मुझे मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले खबर आपको उस कश्मीर की बतानी पड़ रही है जहां पर ईद के दिन पत्थरबाजी होती है, ईद के दिन हत्या को अंजाम दिया जाता है, ईद के दिन भारत को तोड़ने की साजिश रची जाती है, ईद ही के दिन पोस्टर्स और बैनर लहराए जाते हैं आईएसआई, जाकिर मूसा और मसूद अजहर के। अब मुझे ये बताइए, ईद के दिन जिन नौजवानों के हाथों में पत्थर हैं, क्या वो खुद को मुसलमान कह सकते हैं? ईद ही के दिन हिंदुस्तान के को तोड़ने की, चोट पहुंचाने की साजिश करने वाले क्या वाकई इस्लाम को मान सकते हैं? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज कश्मीर से। आज का दिन दुआओं के लिए हाथ उठाने का है, पर यहाँ ये हाथ पत्थर फेंकने के लिए उठ रहे हैं। कश्मीर के श्रीनगर के ये वो भटके हुए युवा हैं जिनमें अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं। कोई हेलमेट पहनकर पत्थर फेंक रहा है, कोई अपने चेहरे को कपड़े से ढककर पत्थरबाजी कर रहा है, तो कोई टीन शेड के पीछे खुद को छिपाकर पथराव कर रहा है। श्रीनगर के नौहट्टा की ये तस्वीर बताती है कि धर्म की आड़ में जिहाद की बात करने वालों का दरअसल कोई मजहब है ही नहीं। इन्हें न धर्म से मतलब है, न अमन से, न भाईचारे से, वरना कैसे कोई ईद की पाक नमाज के बाद ऐसी हिंसा पर उतर सकता है? इन पत्थरबाजों के निशाने पर हैं देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने वाले जवान। पत्थरों के अलावा इनके हाथ में तरह तरह के बैनर हैं, आतंकियों के पोस्टर हैं, आईएसआईएस के झंडे हैं, और इन सबसे साफ है कि पत्थरबाजों की इस भीड़ को कौन तैयार कर रहा है, इन्हें ये सब करने की हिम्मत कहां से मिल रही है? ऐसी ही तस्वीरें उत्तर कश्मीर के सोपोर से भी देखने को मिली। ईद की नमाज के बाद अचानक से इन लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगे। पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल जब से सुरक्षा बलों ने पूरे कश्मीर में आतंकियों के सफाए का अभियान चलाया हुआ है, तब से इस तरह के पत्थरबाजों की भीड़ ज्यादा सक्रिय हो जाती है। ये लोग दरअसल आतंकवादियों की मदद के लिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच कश्मीर में पत्थरबाजी की 53 घटनाएं हुई। पिछले साल यानी 2018 में 758 घटनाएं हुई। इन पत्थरबाजों के हौसले इसलिए और बढ़े क्योंकि मुख्यमंत्री रहते महबूबा मुफ्ती ने 9730 पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए, पर पत्थरबाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि ये पत्थरबाज कश्मीर का सिर्फ एक चेहरा है, इसी कश्मीर में रऊफ अहमद डार जैसे युवा भी हैं जो बाहर से आने वाले पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। चार दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक नाव पलट गई थी, उसमें सवार सभी 7 पर्यटक डूब गए। तब नाव में सवार गाइड रऊफ नदी में कूद पड़ा, उसने पर्यटकों को तो बचा दिया लेकिन वो खुद डूब गए।
आज जब जम्मू कश्मीर में ये नारेबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, इस बीच उन तस्वीरों में एक तस्वीर हमारी नजर में आई जिसमें पोस्टर और बैनर लिए कुछ नौजवान खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उन पोस्टर्स में यूएन से प्रतिबंधित आतंकवादी मसूद अजहर की तस्वीर थी और साथ में जाकिर मूसा था। जाकिर मूसा के नारे तो आपने पिछली रिपोर्ट पे देख लिए, लेकिन उसी पोस्टर में मूसा आर्मी भी लिखा हुआ था और उस पोस्टर को लेकर खड़े थे मूसा आर्मी के वो तमाम सदस्य। ईद के दिन आतंकी जाकिर मूसा के नारे लगा रहे इन लोगों को देखकर गुस्सा भी आता है और शर्म भी। आखिर वो कौन सी सोच है जो इन नौजवानों को एक आतंकी को हीरो बताने की तरफ धकेलती है। इनके हाथों में टंगे हुए इस पोस्टर को देखिए जिस पर लिखा है मूसा आर्मी, मतलब ये सब खुद को उस आतंकी की सेना मानते हैं जिसे पिछले ही महीने सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुला दी। सिर्फ मूसा ही नहीं, इनके पोस्टरों में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की तस्वीर भी है, उन तमाम आतंकी कमांडरों की तस्वीर है जो मारे जा चुके हैं। एक ऐसा पोस्टर भी है जिसमें कश्मीर को लेकर बेहद आपत्तिजनक बात लिखी है। इतना ही नहीं, भारत की जमीन पर ये लोग खुलेआम पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में इन लोगों को लेकर कोई संदेह रह जाता है तो इस पोस्टर को देखिए जिसमें अंग्रेजी में लिखा है ये सब जाकिर मूसा के समर्थक है। जाकिर मूसा के नाम से मशहूर इस आतंकी का असली नाम जाकिर रशीद भट्ट है। बुरहान वानी की मौत के बाद मूसा को कश्मीर का नया पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश शुरू हुई। मूसा ने 2013 में चंडीगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। इसके बाद वो घाटी में A++ श्रेणी का आतंकी बन गया। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 2017 में मूसा को अलकायदा जिहादी गुट अंसार गजवातुल हिंद की कमान सौंपी गई। मूसा घाटी में आतंक का पर्याय बन गया। वो लोगों के सामने आता था तो हर हाथ उसे छूना चाहता था। पिछले महीने की 23 तारीख को जब सेना ने उसे मार गिराया तो उसके जनाजे में भी हजारों की भीड़ शामिल हुई। सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सवाल है कि घाटी में मूसा जैसे आतंकी के लिए ऐसी दीवानगी क्यों है? आखिर कौन है जो इन लोगों को भड़काता है? ये जानने के लिए सुनिए श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज के बाद अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का यह भाषण। मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा देने वाले मीरवाइज उमर फारूक उन अलगाववादी नेताओं में से हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं और कश्मीर के लोगों को लगातार भड़काने का काम करते हैं। इनके जैसे लोगों के कारण ही कश्मीर में हर दिन नए आतंकवादी पैदा होते हैं, लेकिन अब इन आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि सेना ने ऐसे 9 आतंकियों की पहचान कर ली है जिन्हें अगले 25 दिनों में मार गिराया जाएगा। कश्मीर में जो नौजवान इन आतंकवादियों के बहकावे में आकर पत्थर फेंकते हैं उनको और उनके परिवार वालों को आज एबीपी न्यूज की रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की यह खबर बहुत गौर से सुननी चाहिए और रट लेनी चाहिए, अपने दिल से लगा लेनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं और करेंगे कि ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है,
ये आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करना जानते हैं।